Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Good morning. और आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. और आज मेरा ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मैं अपना घर दिखा रही हूँ. जैसे कि टाटा स्टील का क्वार्टर कैसा रहता है वो आज आप लोग को हम दिखाते हैं. तो आइए मेरे साथ हम लोग देखते हैं. ये हम लोग का रूम के बाहर का है. उधर में दो लोग का रूम है और इधर मेरे बगल में भी एक रूम है. और ये हमारा फ्लैट है. तो मेरा फ्लैट है, रूम नंबर देख सकते हैं आप लोग, 201. तो आइए हम आपको अंदर का दिखाते हैं. तो हमारा रूम ऐसे है. जैसे इंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे हॉल में आ जाएंगे. तो कुछ इस तरीके का हमारा हॉल है, डाइनिंग हॉल. तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैन लाइट वगैरह जो भी है सब कंपनी के तरफ से ही हम लोग को मिला था लगा हुआ. तो इधर मैं सोफ़ा रखी हूँ, इधर डाइनिंग रखी हूँ और उधर मैं दो एक्वेरियम रखी हूँ. एक मछली का, एक बड़ी मछली का एक्वेरियम है, ये आप लोग देख सकते हैं. और इधर छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं. इधर मेरा टीवी है. और आइए हम रूम दिखाते हैं. सबसे पहले हॉल के बाद हम किचन. ऐसे जैसे इधर आएंगे तो एक किचन है. तो ये मेरा किचन है, छोटा सा प्यारा सा किचन है. उधर एक रैक में डाली हूँ जिसमें मैं अपना सारा सामान रखी हूँ, डब्बा वब्बा जो भी है. उधर मैं आलू प्याज रखती हूँ. ये एक नॉर्मल मेरे पुराना फ्रिज था, मैं उसको स्टोर रूम बना दी हूँ. जैसे कि राशन वासन जो भी मैं लाती हूँ इसमें रख देती हूँ. ये मेरा नया फ्रिज है. तो आइए हम लोग चलते हैं सेकंड. तो ये हमारा रूम है एक, जहाँ यहाँ मैं छोटा सा एक प्यारा सा मंदिर बनवा के रखी हूँ. ये सब तो मेरे हस्बैंड को मिला था तो मैं मंदिर पे ही रखती हूँ क्योंकि उनको मिला हुआ है. और ये जगन्नाथ भगवान है, सारे भगवान का मैं मंदिर में रखी हूँ. राधे कृष्णा, गणेश लक्ष्मी, शंकर भगवान, बजरंग बली, सारे भगवान के आप लोग देख ही सकते हैं. और इधर मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते हैं. ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे. और वहाँ पे साइड साइड में मैं बॉक्स लगवाई हूँ. ये मेरा शादी के समय का ही मेरे पापा दिए थे. और एक ये बेड है हमारा इधर में. सेकंड रूम दिखाते हैं. तो सेकंड रूम इधर एक कॉमन लैटरिन बाथरूम है और उसके बाद एक बालकनी है. यहाँ पे एक बेसिन है जिसमें मतलब आप फेस क्लीन कर सकते हैं या फिर हाथ वाथ धोने के लिए. यहाँ पे एक आईना भी है. और ये सेकंड रूम हमारा है. तो यहाँ भी मैं एक बेड डाल के रखी हूँ. यहाँ नवनीत है और ये नवनीत का टेडी है जो कि नवनीत का बहुत प्यारा है. नवनीत सोता भी है तो इसको लेकर ही सोता है. हाय नवनीत, बोलो हाय बोलो. और इधर मैं इसमें एसी लगा रखी हूँ, उसमें नहीं लगाई हूँ क्योंकि उसमें कूलर यूज़ होता है ज़्यादा. मैं तो हम लोग तीन लोग ही हैं, अगर घर से कोई आते हैं तो ही ज़्यादा होते. तो ये एक पर्दा मैं डाल रखी हूँ, उसके पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे साइड से दिख रहा है. ये रैक है, मैं उस पर कपड़ा रखती हूँ इसलिए वहाँ पर्दा लगा दी हूँ. वहाँ कुछ नवनीत का टेडीज मैं रख दी हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसलिए. और वहाँ भी रख दी हूँ. और कुछ टेडी मैं नवनीत का ना मतलब यहाँ भी रख दी हूँ इसके ऊपर, टीवी के ऊपर. और ये सब कुछ झूमर मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है तो इसलिए मैं इसको लगा रखी हूँ. ये तो मार्केट का खरीदा हुआ है, ये सब बना हुआ है. और ये भी मार्केट का है. और आइए अब हम चलते हैं, एक इंडोर प्लांट भी मैं यहाँ लगा रखी हूँ. तो आइए अब हम चलते हैं बालकनी दिखाते हैं आप लोग को. तो ये हमारा बालकनी है. मैं तुलसी माता का भी पौधा लगा रखी हूँ और मैं बृहस्पति वार को मतलब यहाँ जल डालती हूँ तो इसलिए केला का पौधा भी लगा रखी हूँ. ये हमारा मनी प्लांट है. ये हमारा मिनी रोज़ है, देखिए छोटा छोटा रोज़ का प्लांट है. इसमें काफ़ी सारे रोज़ आए हुए हैं देख सकते हैं. और दो को मैं बाहर रख दी हूँ क्योंकि धूप नहीं आ रहा था तो वो पौधा ख़राब हो रहा था, इसलिए एक वाइट और एक ऑरेंज. और यहाँ पे भी हमारा कुछ प्लांट्स है. ये है हमारा क्रिसमस ट्री. एक पपीता का पौधा में मैं बीज डाल दी थी तो वो भी पौधा आ गया तो मैं इसको भी छोड़ दी हूँ. और ये कैप्सिकम का भी बीज मैं डाल दी थी तो ऐसे नॉर्मल कैप्सिकम का, इसका भी फ्लावर आ रहा है छोटा छोटा. देखते हैं फ्लावर तो आया है, फलता है कि नहीं. तो ये सब मेरा छोटा छोटा गार्डनिंग है. तो मेरा गार्डन कैसा लगा आप लोग को? तो आइए अब हम चलते हैं, कुछ आप लोग से बातें भी कर लेते हैं. अब तो हम अपना घर आप लोग को दिखा ही दिए तो मेरा घर कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा.
तो मैं तो अपना घर दिखा दी, आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और यहाँ पे सबसे अच्छा है क्या ना कि पावर बिल्कुल कट नहीं होता है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है टाटा स्टील का, तो यहाँ पे हम लोग के रूम में पावर कट नहीं होता। अगर कट होता भी है किसी रीजन से, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, आंधी तूफान आया, तो तुरंत डीसी का पावर आ जाता है। इसके लिए हम लोग को बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगता है कि मतलब अगर एसी ना भी हो तो भी आप मतलब चल सकता है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और गैस लाइन का भी टेंशन नहीं है, सिलेंडर वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ऑनलाइन गैस ही यूज़ होता है, आप यूज़ कीजिए। और आपका जितना भी बिल आया आप उसको पेमेंट कर सकते, तो वो पेमेंट से ही कट जाता है। और रूम का भी हमारा जो भी है पेमेंट से कट जाता है। पानी का सबसे बड़ा कमी है हर जगह, पर यहाँ पे पानी के लिए भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता, एकदम वाटर भी एकदम मतलब पूरा प्योर एकदम बहुत अच्छा पानी आता है, जो कि यहाँ पे क्लीन करके पानी को फिल्टर करके देते हैं, तो पानी भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ये भी है कि नीचे में बच्चों के लिए गार्डन भी है और ग्राउंड भी बन रहा है, जो कि जमशेदपुर में भी क्वार्टर है पर वो पुराना क्वार्टर हो गया है ना, तो वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है, पर यहाँ पे बहुत अच्छा है। पावर तो वहाँ पे एटलीस्ट कट नहीं होता है, कट होने से वो लोग कुछ ये करते हैं, पर वैसे पावर वहाँ कट नहीं होता, पर यहाँ पे भी नहीं कट होता। और इसका क्वार्टर यहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ का क्वार्टर जो है वो बहुत पुराना हो गया है, तो ये क्वार्टर तो बहुत अच्छा है। फिर नीचे का भी मैं किसी दिन आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी, अभी इतना मैं घर का दिखा दी हूँ। फिर यहाँ पे और एक ये भी अच्छा है ना, सबसे अच्छा ये है कि जैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर आपका पावर अचानक से कटा या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ, लाइट खराब हुआ, फैन खराब हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो तुरंत से आप हेल्प डेस्क में कॉल करिए, वो तुरंत से आके रिपेयर करके चले जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं रहता है। सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे सिक्योरिटी हैं यहाँ पे, मतलब अगर कोई अनजान लोग बाहर से इंटर करते हैं तो वो पहले इन लोग पूछते हैं उनसे कि आप कहाँ से आ रहे हो, किसने रूम नंबर कितने में जाओगे, और वहाँ पे कॉल करके पूछते हैं कि सर ये आपका है घर के, आपके घर के लोग हैं और वो जाना देना है या नहीं, वो आपसे पूछ के उनको छोड़ेंगे, ऐसे यहाँ पे कोई लोग नहीं आ सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये क्वार्टर, एटलीस्ट सच में बहुत अच्छा है यार। और वैसे भी टाटा स्टील तो फेमस है ही, और मैं तो बोलती हूँ गवर्नमेंट से भी अच्छा टाटा स्टील हमारा है, क्योंकि पता है इसमें फैसिलिटी बहुत अच्छा है, और फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, देखिए आप लोग कोविड में कितने लोग डेथ कर गए, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय डेथ किए ना उनको उनका जो पेमेंट है वो पूरा पेमेंट उनकी वाइफ को 60 ईयर्स तक मिलेगा, और उनका मतलब उनके जो भी बच्चे हैं, दो तीन जो भी बच्चे होंगे उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा कंपनी देती है, प्लस मेडिकल फैसिलिटी भी पूरा फ्री रहता है। और फिर उनके लिए रूम जो है हमारा यहाँ पे, वो रूम भी मतलब क्वार्टर भी फ्री रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करते हैं टाटा स्टील, रतन टाटा सबका, तो इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी रतन टाटा को, क्योंकि वो एक्चुअली कितना हेल्प किए आप लोग भी जानते ही होंगे, बहुत लोग कितना करोड़ रुपए दिए हैं वो कोविड के समय में, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, मायने वो भी रखते, पैसा तो बहुत लोगों के पास होती है पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे आते हैं और मतलब इतना ज़्यादा किसी को डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको रतन टाटा को तो दिल से धन्यवाद करूँगी। और आप लोग देखें मेरा ब्लॉग तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो मैं ऐसे ही आगे भी और भी ब्लॉग धीरे धीरे करके मैं लाऊंगी, हर एक ब्लॉग में मैं आपको कुछ अलग अलग सा दिखाऊंगी, और फिर कुछ अलग सा हर ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि बहुत अच्छा ब्लॉग हो आप लोग को, जो कि पसंद आए। तो नवनीत भी आप लोग से कुछ बोलना चाहता है, बोलो नवनीत। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में भी मैं कुछ अलग दिखाऊंगी आप लोग को, और अपने बारे में बहुत कुछ अभी आप लोग से बातें करनी है, बहुत कुछ आप लोग को बताना है, तो ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। और मेरा ब्लॉग को अभी भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वो सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत दिल से एकदम धन्यवाद।
मम्मी जो भी चाचू और दीदी बुआ सब लोग देख रही हैं उनको एक फ्लंकी दे दो। तो बाय 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 करो नवनीत।